नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अमलतास के पेड़ के कुछ घरेलू नुस्खे, उपाय और कुछ फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, अमलतास का पेड़ आयुर्वेद में अपना एक विशेष महत्व रखता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक इस पेड़ की विशेषता बताता हूँ। दोस्तों, इसकी एक स्पेशल चीज़ यह होती है इस पेड़ की कि इसके जो फूल होते हैं वो बिल्कुल इसकी विपरीत शैली को प्रदर्शित करते हैं। वो कैसे? दोस्तों, अधिकतर पेड़ जो होते हैं जिनके फूल हम पानी देते हैं तो जल्दी से बढ़ते हैं, लेकिन इस पेड़ के साथ यह बात बिल्कुल उल्टी है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस पे गलती से भी पानी के छींटे भी पड़ जाएं तो इसके फूलों का विकास नहीं हो पाता है। यही कारण है कि इसके फूल सबसे ज़्यादा गर्मियों में, जब भीषण गर्मी पड़ती है तब जाके यह पेड़ पूरी तरह से खिल पाता है। तो है ना ये एक स्पेशल बात। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं इसके कुछ फ़ायदों के बारे में। तो दोस्तों, इसका पहला फ़ायदा आता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में। अमलतास के जो पेड़ की छाल और फल दोनों में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें खाने से बॉडी की इम्यूनिटी मजबूत बनती है। दोस्तों, इसका दूसरा फ़ायदा है बुखार को कम करने में। अमलतास की जड़ का इस्तेमाल आप बुखार कम करने के लिए कर सकते हैं। अमलतास के पेड़ की जड़ बुखार कम करने वाले टॉनिक की तरह काम करती है। बुखार होने पर अमलतास के गुदे की 3 ग्राम मात्रा दिन में 2 बार लेने से 6 दिनों तक अगर आप इसे लेते रहते हैं तो बुखार में आपको आराम मिल सकता है। इससे बुखार के कारण होने वाले बदन दर्द से भी आपको आराम मिल सकता है। दोस्तों, इसका अगला फ़ायदा आता है जख्मों को बढ़ने में। दोस्तों, अमलतास घाव और जख्म को तेजी से भरने में काफ़ी मददगार होता है। अमलतास की जड़ी बूटी नए बॉडी टिश्यू का निर्माण करती है। इसके पत्ते के रस का इस्तेमाल प्रभावित त्वचा की ड्रेसिंग करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अमलतास की छाल से बनाए गए काढ़े से जख्म को धोया जाता है, जिससे घाव में इन्फेक्शन आसानी से नहीं हो पाता है। दोस्तों, इसका अगला फ़ायदा होता है पेट की बीमारियों को दूर करने में। बच्चों के पेट में अक्सर दर्द, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याएं हो जाती है। इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए अमलतास के गुदे को नाभि के आसपास लगाने से लाभ होता है। यह उपचार नियमित रूप से करते रहने पर पेट की समस्याएं धीरे धीरे करके पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसके अलावा गुदे को अलसी के तेल या फिर बादाम के तेल के साथ मिलाकर लेने से मल त्याग करने की जो समस्या होती है उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, इसका एक अगला फ़ायदा होता है त्वचा के लिए। अमलतास के पेड़ की जो पत्तियाँ होती है स्किन की जलन, सूजन और दर्द को दूर करने में मददगार साबित होती है। अमलतास की पत्तियों को छाछ के साथ पीसकर स्किन पर लगाने से स्किन में संबंधित समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। दांत खाज खुजली को दूर करने के लिए अमलतास की फलियों के गुदे को नीम की पत्तियों के साथ पीसकर प्रभावित त्वचा पर लगाने से लाभ होता है। दोस्तों, इसका अगला फ़ायदा होता है कब्ज को दूर करने के लिए। अमलतास के पेड़ के गुदे को रेचक के रूप में जाना जाता है। अमलतास के ताज़ा गुदे को बदहजमी के मरीज को दिया जाए तो यह बदहजमी से आपको तुरंत राहत दिला सकता है। 50 ग्राम अमलतास के गुदे को पूरी रात पानी में भिगोकर रखना है। फिर इसमें 25 ग्राम चीनी मिलाकर एक मिश्रण तैयार करना है। इसका इस्तेमाल आप कब्ज दूर करने के लिए करें। अमलतास के गुदे को कच्चे जीरे के साथ मिलाकर खाने से कब्ज की समस्या में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। दोस्तों, इसका अगला फ़ायदा होता है मल त्याग को साफ बनाने में। जी हाँ दोस्तों, अमलतास के पके फलियों को पेड़ से तोड़कर इन्हें बालू रेत में 1 हफ्ते तक गाड़ कर रखना है, फिर इसे धूप में सुखा लेना है। दोस्तों, जब यह सूख जाए तो फलियों का गुदा निकालकर साफ बर्तन में ढककर रख देना है। फिर इसे दवाई की तरह आपको प्रयोग करना है। इस औषधि से मल विकार दूर होती है, लेकिन अमलतास की औषधि का प्रयोग हर्बल जानकार के परामर्श पर ही करना है। बिना हर्बल जानकार के परामर्श के आप ऐसा बिल्कुल ना करें। दोस्तों, इसका अगला फायदा होता है सर्दी जुकाम को दूर करने में। जी हाँ दोस्तों, अमलतास सर्दी जुकाम को दूर करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। जलते हुए अमलतास की जड़ का धुआं बहती हुई नाक का इलाज करने में माहिर होती है। इसका धुआं बहती हुई नाक को तुरंत फायदा पहुँचाता है। इसका रस कफ और बलगम को दूर करने में काफ़ी कारगर सिद्ध होता है।
तो दोस्तों देखा आपने, ये थे अमलतास के पेड़ के कुछ फ़ायदों के बारे में जानकारी, इससे क्या क्या घरेलू नुस्खे हो सकते हैं और किन किन रूपों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो और जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।